से 2 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। माना जा रहा है 10 अप्रैल से 21 मई तक मतदान की प्रक्रिया खत्म करा ली जाएगी और 27 मई तक चुनाव के नतीजे भी घोषित हो सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी होने वाली है, जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। संभावना इस बात की भी बन सकती है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसको लेकर अनौपचारिक मुलाकातें और बैठकें भी हुई हैं। वैसे सूत्र बता रहे हैं लोकसभा चुनाव इस बार 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। इसमें करीब 3,40,000 केंद्रीय सशस्त्र बलों की मांग चुनाव आयोग ने की है और इस बार के चुनाव में 97 करोड़ से अधिक मतदाता करीब 1.25 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट डालने के लिए जाएंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। वहीं आपको बताते चले, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर लगातार लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने जनता के नाम चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, सकारात्मक बदलाव 10 वर्षों की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, सरकार की सभी योजनाएं गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में बनाई गई हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को लेकर लोगों से उनके विचार और सुझाव भी मांगे हैं। आवास योजना के जरिए पक्के मकान की सुविधा किस तरह से मिली है गरीब लोगों को, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में इन तमाम बातों का विस्तार से जिक्र किया है। आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था मोदी सरकार की ओर से कैसे की गई है, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है ताकि उनकी जिंदगी में बदलाव आए, उनकी गरीबी दूर हो सके। मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को भी मदद की बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। आपको बताते चले, बीते 5 सालों में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता इस बार 1 करोड़ ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसको साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र अपने इस चिट्ठी में उनकी ओर से लिखा गया है। पैगाम में आगे वो लिखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण आतंक और नक्सलवाद पर प्रहार भी किया गया है, विकसित भारत के लिए विचार, सुझाव और सहयोग दें। और इस तरह से ऐसा लग रहा है कि थर्ड टर्म की पूरी प्लानिंग को लेकर नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, प्रधानमंत्री का ये जो पैगाम है, उनकी लिखी आम जनता के लिए ये जो चिट्ठी है, संदेश है, इसके मतलब, मायने, संकेत क्या समझे जाए? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल इसके मतलब और मायने एक ही है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी की गारंटी है, जो उन्होंने अपने विजन में डॉक्यूमेंट में कहा है वो सारी चीजें पूरी हुई हैं। और इस ओपन लेटर में जो जनता के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, उसमें साफ है, धारा 370, ट्रिपल तलाक, GST, राम मंदिर, तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर वादे किए थे पीएम मोदी ने, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने उन वादों को पूरा किया है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या नए संसद बनाने, ये तमाम वो विषय हैं पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। और इस लेटर में ये भी कहा गया है, ये सारे काम जो है बहुत कई दशकों से लंबित पड़े थे, इन सभी को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उन्होंने पूरा किया है। और 10 साल का उन्होंने अपना लेखा जोखा जो है सरकार का, जो अचीवमेंट है सरकार की, उनको इस पत्र के माध्यम से जो है आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल, वो चिट्ठी इस वक्त मेरे सामने है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है, मेरे प्रिय परिवारजनों, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में बयां कर पाना काफी कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद विस्तार से उन उपलब्धियों का वो जिक्र करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी, ये बातें भी उनकी ओर से आगे लिखी जाती है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक तरफ प्रधानमंत्री की चिट्ठी, दूसरी तरफ विज्ञान भवन के भीतर आप पहुंच चुके हैं, जहां पर चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये महत्वपूर्ण पीसी करने जा रहा है। कैसी है तैयारी, कितनी देर में शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी और देंगे आप? संजय, यार यहां लेके आवाज तो आए। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। संजय,
चले संजय के पास हम चलेंगे। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आप क्या जानकारी देंगे? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर आम जनता को सीधा संदेश दे दिया है कि 10 साल की क्या बड़ी उपलब्धियां सरकार के रही हैं और इसके जरिए आगे का रोड मैप भी वो बताते हैं, और वहीं दूसरी तरफ विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने चरणों में होंगे चुनाव, सबसे पहले कहां पर कराए जाएंगे, इसको लेकर क्या जानकारी देंगे आप अशोक जी? देखिए, 6 से 7 चरणों की बात हो रही है। पिछली बार भी 2019 में 7 चरणों में चुनाव करवाए गए थे, लेकिन इस बार भी उम्मीद वैसी ही की जा रही है और उसको लेकर के पार्टियां पहले से तैयार हैं। और बीजेपी हालांकि काफी आगे निकल चुकी है, प्रधानमंत्री के लगातार दौरे चल रहे हैं, अमित शाह के दौरे चल रहे हैं। बीजेपी क्योंकि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी में लग जाती है और बीजेपी लगातार चुनावी मोड में है। और सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो कहीं शिलान्यास हो रहे हैं, कहीं लोकार्पण हो रहे हैं और इसके अलावा रैलीज भी की जा रही है। नए नए एनडीए को मजबूत करने की कवायद भी लगातार चली, नए नए सहयोगियों की तलाश की जा रही है, नए नए सहयोगी इस बार जुड़े भी जो 2019 में नहीं थे। उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी कहीं आगे है। उम्मीदवारों की घोषणा की बात हो या अपना जो उनका एक तरह से जो आगे का रोड मैप है उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उसमें 10 साल के कामकाज के बारे में बताया और आगे का रोड मैप के बारे में बताया और जनता से सहयोग मांगा है कि हमको सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो ये विकास का एजेंडा है, विकास की यात्रा है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाए। और मोदी की गारंटी तमाम, राम मंदिर अभी उन्होंने निर्माण किया, राम मंदिर को लेकर के जो जो एजेंडा उन्होंने पूरा किया बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जो शुरू से रहा है, क्या क्या उन्होंने काम किया और आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में मेंशन किया और इसी के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। बाकी चीजें तो कर ही रहे हैं, चाहे वो एनडीए को कुनवे को मजबूत करने की बात हो, सहयोगियों के साथ अलग अलग जगह पर रैली करने की बात हो, लेकिन बीजेपी बहुत पहले से ही 2024 के चुनाव की तैयारी कर चुकी थी। और इस बार उन्होंने सिर्फ हार जीत की बात नहीं है, 370 बीजेपी पार और 400 एनडीए पार का नारा दिया है, इसलिए अब जीत हार में बीजेपी ना उलझ करके संख्या में चली गई है कि हमको जीत से हम आगे चले गए। बीजेपी ने ये जो नारा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने चल रही है, 400 से ऊपर मोदी से शुरू और उन्हीं पर खत्म, पिछले 10 सालों से जिस तरह से एजेंडा सेट करने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है, थर्ड टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद भी पीएम मोदी बार बार अलग अलग मंचों से करते रहे हैं। आज रात 8 बजे जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आज तक के मंच पर आएंगे तो उनकी ओर से संबोधन में क्या बड़ी बातें रखी जाती हैं, इस पर भी सभी की निगाह बनी हुई है। लेकिन 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा और जहां से ये सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी। संजय शर्मा वहां से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, इतनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तैयारियां वहां पर कैसे देख रहे हैं आप? लगभग 1.25 घंटे रह गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में, और 3:40 से 45 मिनट के आसपास तारीखों का और पूरे चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। जहां तक सूत्र बता रहे हैं, उनका यह कहना है 6 से 7 चरण में मतदान संपन्न होगा और 10 अप्रैल के बाद से और 20-21 अप्रैल के मध्य तक सारे चरण पूरे हो जाएंगे और इसके साथ ही लगभग 25 मई के आसपास मतगणना होके और नई संसद का, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े राज्य हैं उनमें 3 से 4 चरणों में चुनाव मतदान कराने के प्लान हैं, और सूत्र ये बता रहे हैं कि जितने छोटे राज्य हैं या फिर ऐसे राज्य जहां बहुत संवेदनशील इलाका नहीं है या जहां पर सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, उन इलाकों में तो एक चरण में मतदान हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये जो बड़े क्रूशियल राज्य हैं या फिर उड़ीसा जैसे राज्य या महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां पर नक्सलवाद की समस्या है, वहां पर 2 या 3 चरणों में चुनाव होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा, चूंकि भारत का लोकतंत्र है और ये चुनावी प्रक्रिया एक तरह का रहस्यवाद है, एक रहस्य से पर्दा हटता है, अगले कई रहस्य रहते हैं। अब ये तो तय हो गया कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अब एक और रहस्य है कि क्या जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी इसके साथ ही होगा या जो बाकी अन्य जो 4 चुनाव हैं, 4 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये तो लोकसभा के साथ होते हैं, लेकिन क्या आने वाले समय के जो चुनाव है 2024 में होने वाले चुनाव, क्या उन्हें भी जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, क्या उन्हें भी इसी लोकसभा के साथ कराया जाएगा, ये बड़ा रहस्य है और इस रहस्य का उद्घाटन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं।